हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें आपको शुरू में कुछ चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है जो डायरेक्टली हम लोग यूज़ करेंगे। पहला क्या है, किसी भी बॉडी को अगर यू स्पीड से प्रोजेक्ट करें ना, तो इसको कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए, कितना टाइम के बाद ये फिर से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, व्हाट विल द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल। तो इनिशियल स्पीड यू ले लो, दैट इज़ गिवन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी। फाइनल स्पीड जो होगा वो जीरो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो जीरो इक्वल्स टू यू माइनस जी टी वन, तो टी वन आ जाएगा यू बाई जी। तो अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें तो सेम टाइम इट विल टेक टू हिट द ग्राउंड ऑल्सो, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टू यू बाई जी। ये आपको याद रखना, अगर 40 मीटर पर सेकेंड है तो 2 इंटू 40 बाई 10, 8 सेकेंड विल बी द आंसर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। हाइट वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2h लगाओ, तो जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, तो एच विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये इसका हाइट होगा, तो हाइट विल बी यू स्क्वायर बाई 2g एंड टाइम विल बी 2u बाई जी। सेकेंड जो आपको याद करना है, ये कोई बॉडी को अगर यहाँ से रिलीज करें तो कितने स्पीड से और कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो एक्सेलरेशन इस बार यहाँ रिलीज करें तो यू इज इक्वल्स टू जीरो, नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो डाउनवर्ड को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन विल बी जी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी एच, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये डाउनवर्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव के डायरेक्शन में एच आया। तो अब फॉर्मूला लगा दो, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल्स टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टी विल बी दिस एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2h, तो वी विल गेट अंडर रूट 2gh। ये याद रखना आपको, 2u बाई जी, यू स्क्वायर बाई 2g, अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2gh। ठीक है, नेक्स्ट अगर किसी बॉडी को हम रिलीज कर रहे हैं तो टी टाइम के बाद वो कितना नीचे आ जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर। किसी बॉडी को हम यू स्पीड से नीचे प्रोजेक्ट किए तो टी टाइम के बाद कितना नीचे आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑब्वियसली ये ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि कुछ स्पीड भी दी है, तो यहाँ पे यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी बॉडी को हम यू से प्रोजेक्ट किए तो टी टाइम के बाद कितना ऊपर जाएगा, तो इस बार एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन, अब किसी बॉडी को ये 40 मीटर हाइट है और ये 10 मीटर पर सेकंड से इस बॉडी को हम प्रोजेक्ट किए तो ये कितना देर के बाद ग्राउंड को हिट करेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब इसमें साइन कन्वेंशन यूज़ करना स्टार्ट करो। इनिशियल आप क्या करो, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लो, तो इनिशियल स्पीड क्या है अपवर्ड के डायरेक्शन में, तो यू 10। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सोचो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर के डायरेक्शन में 40 नहीं गया, नीचे के डायरेक्शन में 40 गया, जबकि हम ऊपर को पॉजिटिव माने तो डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस 40। एंड आप क्या करो ना, एग्जैक्टली इनिशियल टाइम पे देख लो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, तो ए विल बी माइनस 10, क्योंकि हम अपवर्ड को पॉजिटिव माने। ठीक है, तो यू 10, उसका एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से टाइम निकाल लो, तो टाइम विल बी 4 सेकेंड। तो ये साइन कन्वेंशन, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ यू, द बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स, द टाइम इंटरवल बींग 6 सेकेंड, फाइंड यू। ठीक है, मतलब किसी बॉल को हम थ्रो किए ना, तो 80 मीटर पे ये दो टाइम पे होगा, एक बार जब जा रहा होगा फिर हाईएस्ट को क्रॉस करके आ रहा होगा, अब इन दोनों टाइम का गैप है 6 सेकेंड, मतलब ये जब क्रॉस किया दोबारा जब क्रॉस कर रहा होगा, तो उन दोनों टाइम के बीच का जो टाइम है इंटरवल है, दैट इज 6 सेकेंड। तो फाइंड द इनिशियल स्पीड विथ विच द बॉल इज प्रोजेक्टेड, तो सोचो यहाँ पे जब बॉल होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से या तो ऊपर जाए या नीचे आए, डिस्प्लेसमेंट विल बी 80 ना, क्योंकि इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस 80 है, डिस्प्लेसमेंट 80, ए इक्वल्स टू माइनस 10 क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है। इनिशियल स्पीड यू मान लो एंड यू अप्लाई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू विल गेट दिस थिंग क्वाड्रेटिक। तभी तो दो टाइम आया ना, एक टी वन एक टी टू। अब इसमें बड़ा टाइम कौन सा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये कब का टाइम है जब वो वापस आया होगा, और ये कब का टाइम है जब वो जा रहा होगा, तो दिस माइनस दिस क्या गिवन है 6, उसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ये, अ पार्टिकल मूविंग कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू एट ए एंड बी। ठीक है, किसी ए बी में जा रहा है तो ए और बी पे क्या क्या स्पीड है, ऐसा करके यहाँ पे वी वन है यहाँ पे वी टू है, क्लियर। तो बोल रहा है कि इस जगह पे एग्जैक्टली जो मीट पॉइंट होगा ना, इसको अगर हम डी माने, इसको डी माने, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट।
ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो आप क्या करो ना, एक्सेलरेशन ए मान लो, यहाँ का स्पीड वी मान लो, अब इन दोनों के बीच एक बार लगाओ, ए बी में वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लगाओ, तो वी टू स्क्वायर, और इनिशियल क्या है वी वन, तो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट टू डी, तो ए डी का वैल्यू निकाल लो बिकॉज वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस ए डी, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ए सी में भी वही कर लो, ए से सी में वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू वी टू, हाँ ए सी में ये ए से सी वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए डी, ए डी का वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दो, और आप यहाँ से भी ए डी निकाल के इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, सो यू विल गेट दिस आंसर, ए डी को इक्वेट करना है बस। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ये कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर ओवर अ टाइम इंटरवल टिल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ओके, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।